राजस्थान सरकार ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने प्रदेश के गृह विभाग में कायस्थ समाज की एक योग्य महिला सोविला माथुर को एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए प्रशासनिक सेवाओं में नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। सोविला माथुर की इस नियुक्ति से कायस्थ समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई है और यह निर्णय अन्य महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। राष्ट्रीय कायस्थ सेवा संघ ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। संघ के संयोजक वेद आशीष श्रीवास्तव, ललित सक्सेना और चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष युगल किशोर नेहवारिया ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया है, जो विभिन्न समुदाय को अपनी प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। सुबिला माथुर जी को जो पद दिया गया है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि एक महिला को उस गृह विभाग में महत्वपूर्ण पद में स्थिति देना, जिससे कि महिलाओं में शक्ति संवर्धन हो और महिला सशक्तिकरण देश में स्थापित हो। जिस प्रकार मोदी सरकार अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो संसद हो 33%, चाहे वो वित्त मंत्री हो और चाहे हमारे प्रदेश में दिया जी का उप मुख्यमंत्री बनना महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण है, उसी प्रकार सुबिला माथुर जी को गृह विभाग में जगह दिया जाना महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण है, जिसकी हम भजन लाल सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान जयपुर से ये प्राउड फील करते हैं कि हमारी संस्था पिछले 10 वर्षों से देश के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही है और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिससे हमारी नौनिहाल बच्चियों को अफसर बनने का एक इस तरीके की प्रेरणा मिलेगी कि हम भी उच्चतम पदों पे, जो पुरुष महत्व का प्रदेश में एक विभाग होता है गृह विभाग, उसमें महिला की उपस्थिति सभी महिलाओं को सशक्तिकरण देती है और उनकी संवेदनाओं को समझने की समझ देती है, क्योंकि महिला अफसर नियुक्त की गई। तो जल्लाल सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि एक महिला को इतना बढ़िया पद देके, जो राजस्थान को बहुत आपदा से निपटेगी, कोई भी समस्या होगी उसको सही तरीके से करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि भजनलाल सरकार के नेतृत्व में जो सोविला माथुर जी को पद दिया गया है, उस पे सोविला माथुर जी बिल्कुल अपना कार्य पूर्ण करेगी। देखिए, सोविला माथुर जी को जो पद दिया गया है, उसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हैं भजन लाल जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। महिला प्रबंधन के लिए जो आपदा का जो विभाग दिया गया है हमारे सोविला माथुर जी को, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। परंतु हमारी केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसे कि दिया कुमारी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री का दर्जा दिया, तो बहुत ही सराहनीय। और जो उनका 33% आरक्षण का जो मुद्दा है, जो वो महिलाओं को देना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय प्रयास है।